ये लड़के भी ना शादी के बाद भूल ही जाते कि इनकी जिंदगी में कोई और भी है, उन्हें भी जगह चाहिए। ना अलमारी में जगह देते हैं ना बेड पर, जैसे जैसे कहीं के राजा महाराजा हूं। हंसी आ रही है तुम्हें? तुम्हें पता है आज मेरी डेढ़ हड्डी मरते मरते बची है। जब भी मैं नींद में होता हूँ तुम मेरे चेहरे पे आके छा क्यों जाती हो? ओ हेलो, मैं नहीं, तुम आए थे मेरे पास, मतलब तुमने मुझे खींचा अपनी तरफ। एक तो पूरा बिस्तर घेर के सोते हो, उसके बाद मुझे ऐसे खींचते हो जैसे मैं कोई इंसान नहीं, चादर हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हें चादर समझा और तुम खींची चली आई। अगर जगह ही चाहिए थी तो मुझे जगाना चाहिए था ना। मेरे पास आने का बहाना ढूंढ रही हो ना? हाँ, मेरे पास आना अच्छा लगता है ना, है ना? अगर आज इस बात का जवाब नहीं दिया ना तो मैं नीचे जाके सो जाऊंगा, फिर अकेले पूरे बेड को घेर के सो जाना। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अगर मैं यहां सोऊंगा तो मेरे हाथ कहां, पैर कहां, मैं कहां, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहीं तुम फिर मेरे ऊपर, मेरा मतलब मैं तुम्हारे करीब आऊं या तुम मेरे करीब आऊं, बात तो एक ही है ना। एक मिनट, एक मिनट, ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप जाओ यहां सो जाओ। चलो, अब तुम इतना गिड़गिड़ा रही हो तो मैं सो जाता हूं। ओके। ऋतिक, मैं चाहूं भी तो तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, पास आना सजा है। गुरुदेव, ये है उन कातिलों की महान मां गुरु मां, अपने काले जादू से दूसरों को अपने वश में करती है। लेकिन आज आज मैंने अपनी नाग शक्तियों से इसे अपने वश में कर लिया है, इस पे वशीकरण किया है। अब ये वही करेगी जो हम चाहेंगे। अच्छा किया शेषा जो तुमने इसे अपने वश में कर लिया। भगवान इंसान को शक्तियां देता है, मगर इंसान जब उन शक्तियों का गलत उपयोग करता है तो यह हाल हो जाता है। आज अगर तुमने अंकुश राहेजा का साथ नहीं दिया होता तो भगवान तुम्हारी मदद करते। अरे इंसान तो इंसान, तुम भगवान के खिलाफ चली गई। देखो तुम्हारी सारी शक्तियां चली गई। भगवान की धरोहर को तू शैतान को सौंपना चाहती है। मत भूल कि नागमणि भगवान शिव की धरोहर है। तू अगर पूरी शक्तियों से भगवान को ललकारेगी तो दोनों जहां में हारेगी। जहां पूरी शक्ति है वहां अच्छी शक्ति भी है, जहां शैतान है वहां भगवान भी है। गुरुदेव, ये गुरुमा उस अंकुश रहेजा के साथ है तो इसे जरूर पता होगा कि वो पांचवा कातिल कौन है। हाँ, पर इस वक्त इस पर वशीकरण है। कैसे बताएगी, सच कैसे अपनी जबान पर लाएगी? गुरुदेव, आप ही कोई उपाय बताइए। भगवान शिव की शक्ति ही रास्ता दिखाएगी। मैं इस पर वो योग प्रयोग करूंगा कि इसे पांचवे कातिल का नाम बताना ही होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ए गुरु घंटाल माँ, तू माँ है तुम्हें माया, देख ली ना मेरी विशाल काया, तेरा गला दबोच लूंगी मैं। तुझे अपने नाक पाश से जकड़ लूंगी मैं। बता बता पांचवा कातिल कौन है? सोच रही हूं तेरे शरीर में ज्यादा बल है या फिर छल। आने वाला कल देखना चाहती है ना तू, तो अभी इसी पल बता कौन है वो, कौन है वो पांचवा कातिल, बोल। वो बात खतरनाक, बहुत खतरनाक है। डरा रही है? हाँ डरा मत, बोल बोल वो पांचवा कातिल कौन है, नाम बता, नहीं तो तेरी एक कुबड़ निकाल के तेरे हाथ में दे दूंगी। नाम बता बोल। ऋतिक के रिश्तेदार। ये बुढ़िया जितना उछलती है ना उतना बल नहीं है इसके शरीर में। दूसरों के होश उड़ाने वाली आज खुद होश खो बैठी, आज नहीं तो कल इसे बताना ही होगा कि वो पांचवा कातिल कौन है। इसने नाम नहीं बताया तो क्या हुआ? नाम का एक बहुत बड़ा इशारा दिया है, बिना बताए ही किसी का नाम ले लिया। इसने कहा ऋतिक का रिश्ता, इसका मतलब साफ है कि जो वो पांचवा इंसान है उसका कोई ना कोई रिश्ता इस ऋतिक से जरूर है। जी गुरुदेव, हो ना, वो कातिल हमारे आसपास ही है लेकिन हम उसे नहीं जानते। हमें उसे जानना होगा, पहचानना होगा कि कौन है वो। लगाई ले जब लिपस्टिक, हिला ला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागे लू, कमरिया 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 कर लपलप, लाली पाप लागे लू, लाली पाप ला ले लू। क्या बात है मेरे माली, आज तो बड़े मूड में है यार तू। अच्छा सुनना, वो वाला फूल मेरे को भी देना, वो इट्स फॉर समवन स्पेशल यू नो। देना और हाथ साफ कर रहे, ये मिट्टी वाला हाथ नहीं चाहिए मुझे। हाँ हाँ हाँ। क्या बात है, पापा आप माली, मतलब माली में आप, पापा हम लोग अमीर नहीं रहे क्या? ऐसा कुछ नहीं है पगले, आपका फूल हम लोग अमीर नहीं रहे। नहीं बेटा, बुढ़े माली बुड्ढा माली। अरे यार सुन ना, ये सुबह सुबह मुझे बिना पिए चढ़ गई है, मतलब मुझे माली में मेरा भाग नजर आ रहा है या मेरे बापू में माली। यहाँ पीना बस पीती रहती हूँ माँ। अच्छा सुनो ना, एक बात पूछनी थी मुझे ना, आज सुबह से मेरे दो दो बाप नजर आ रहे हैं, एक तो मालिनी और दूसरा कौन? रुको डैड, क्या मतलब आज कोई सरप्राइज देना है आपको या कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, ऐसा क्यों? कंपटीशन खत्म हो गया रे पगले, पता है तेरी माँ ने मुझे इन्हीं ड्रेस में पसंद किया था और इसी ड्रेस में शादी के लिए प्रपोज किया था। ये बुड्ढा अपनी असली औकात दिखा के मेरी असलियत शिवन्या के सामने ना लाए। ओह सो स्वीट,
रियली मम्मा? पापा? हाँ बेटा, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि तुम्हारे पापा बहुत मेहनती है। अब देखो अपनी मेहनत की वजह से कहाँ तक पहुंच गए। पहुंच गए ना? अब ज्यादा पहुंचने की, अब मेरा मतलब है अब छोड़ो ना पुरानी बातों को। कैसे छोड़ दूं यामिनी जी, कैसे छोड़ दूं? आपने ही कहा था ना कि आदमी को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। आदमी को अपना अतीत हमेशा अपने साथ में लेके चलना चाहिए। कहा था ना। अब आपको भी चलना पड़ेगा। याद है ना अंकित जी, आपकी एक जरूरी मीटिंग है, भूल गए? हाँ, उसके लिए तो फिर मुझे तैयार होना पड़ेगा। अच्छा किया जो आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं माली के अलावा भी और कुछ हूँ, है ना? है ना? जिला टॉप लागे लू कमरी। मॉम एंड डैड कितने क्यूट है ना, रुका था। हैप्पी फैमिली। क्या बात है, माली काका। मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये। ये अंकुश रहेजा को हो क्या गया है? इतनी अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? ये तुम हमेशा आधे आधे कपड़ों में क्यों बाहर आ जाते हो? तुम हमेशा पूरी की पूरी मेरे सामने खड़ी क्यों रह जाती हो, मुझे आधा अधूरा देखने के लिए? ठीक है, मैं जाती हूँ। क्या कर रहे हो? कुछ पूछना है। क्या? कैसे आई? बहुत बुरी। क्यों, बुरे बुरे सपने देखे क्या? बुरे सपने तो तुम देख रहे थे। पता नहीं कुछ कह रहे थे, मार भगाया। ऐसा क्या देख रहे थे? शिवन्या, मैंने अपने आप को फिर उसी शाही लिबास में देखा, एक राजा की तरह, किसी से युद्ध कर रहा था, पर पता नहीं किससे, बहुत अजीब था। मैं चेंज कर गया था। अब तुम्हें कैसे बताओ ऋतिक, तुम जिसे सपने में देखते हो शाही लिबास में, वो तुम नहीं, तुम्हारे पिता है। पता नहीं कहाँ होंगे वो इस वक्त। ये क्या मजाक है? मौली के कपड़ों में बच्चों के सामने आने की क्या जरूरत थी? और तूने अभी तक अपने कपड़े क्यों नहीं बदले? मैं बताता हूं आपको। क्या है कि आपने मुझसे बोला था ना कि अपनी औकात में रहना और चारों तरफ माली की तस्वीर लगा दे, तो मैंने सोचा इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, खुद ही माली बन जाता हूँ, तो आपकी बात भी याद रहेगी और अपनी औकात भी याद रहेगी। तो चाहता क्या है, क्यों कर रहा है ये ड्रामा? अब आई है ना आप पॉइंट पे, मैं बताता हूँ कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। याद है ना राजकुमारी जी, वो पांचवा इंसान मैंने ही आपको बनाया है, हम चारों ने ही आपको हाथ दिया है, क्योंकि आपको नागमणि चाहिए थी ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मेरे बिना आप कुछ नहीं कर पाती, आपके आगे भी मैं हूं, आपके पीछे भी मैं हूं, तो जरा ये बेइज्जती करना बंद कर दीजिए। इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, सिंपल फंडा। और हाँ, अब ये माली आपको बताएगा कि एक हाथ से ताली तो नहीं बच सकती, लेकिन एक हाथ से चुटकी जरूर बच सकती है राजकुमारी साहिबा। अपनी औकात से बहुत बड़ी बात भूलकर जा रहा है ये माली। अगर ऐसा रहा तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अब तेरा भी कुछ करना ही पड़ेगा रे माली, करना ही पड़ेगा। क्योंकि उस नागिन से बचने का उपाय इसी किताब में है और कहीं नहीं। ठीक है, आप आराम से इस किताब को पढ़िए, मैं चलता हूं। ठीक है। मिल गया रास्ता।
रास्ता तो मिल गया, अब उस रास्ते पर चलना कैसे? मार्केट में अघोरियों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकला हुआ है और वो 100 इच्छाधारी नागिनों को मारेंगे तब जाके उनकी पूजा संपन्न होगी। उसका रास्ता भी मिल गया। बेटा मेरी एक मदद करोगे? माँ, माँ बेटियों को हुक्म देती है, मदद नहीं मांगती, बताइए ना क्या करना है। कुछ नहीं बेटा, श्याम चाचा को मैंने बाहर भेजा किसी काम से, मार्केट से पूजा की सामग्री लानी थी, अब मैं किसी और को तो नहीं भेज सकती ना। मैं चली जाती पर पता नहीं क्यों सुबह से पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं माँ, मैं चली जाऊंगी, अभी चली जाती हूँ, नहीं तो शाम की पूजा के लिए देर हो जाएगी। थैंक यू बेटा, ये रही लिस्ट। जी, ये सब कुछ मैं कर लूंगी। जाओ नागिन जाओ। सॉरी, मेरी बहू, आज पूजा तो होगी पर मेरी नहीं, तेरी पूजा होगी, तेरी बलि चढ़ेगी। यकीन नहीं होता, जो भी मैंने किताब में पढ़ा ऐसा भी होता है। शायद शिवन्या ये बात नहीं जानती, मुझे उसे बताना होगा। ये तुम बार बार मुझे ऐसे क्यों खींचते हो? ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी पत्नी की इज्जत बचा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें ही ढूंढ रहा था। चलो मेरे साथ। तुम्हारे लिए जो नेकलेस लाया हूं वो पहन के दिखाओ ना। चलो। भैया मैं सामग्री की लिस्ट पढ़ती हूँ, आप डाल दो। चंदन देना, 2 पैकेट अगरबत्ती, नहीं वो वाले, 1 डिब्बी सिंदूर, वो वाले चूनर दीजिए ना, वो रेड 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 वाले, और वो मा
नहीं नांगनकार के पास। चलो आज इस नागिन की बलि दी जाएगी। चल से चलो। ये नागिन तो गए मेरे घर से और प्रत्येक की जिंदगी से भी। अब वो दूसरी नागिन, वो दूसरी नागिन प्रत्येक के साथ रात बिताती है या नहीं देखना पड़ेगा। आज की रात क्या लेकर जाती है और क्या देकर जाती है। आज तुम्हें नेकलेस अपने हाथों से पहनाऊंगा। शिवन्या कहाँ हो तुम? आई क्यों नहीं अब तक? कहीं ऐसा ना हो इस वक्त तुम आओ और ऋतिक हम दोनों को एक साथ देख ले। आज कहीं हमारा राज ना खुल जाए। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो है पर तुमसे अच्छा नहीं। मैंने तो तुम्हें तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट दे दिया, तुम क्या दोगी? एनिवर्सरी के लिए मतलब एनिवर्सरी दोनों की है तो गिफ्ट भी दोनों का बनता है ना? बताओ क्या चाहिए? जो मुझे चाहिए तुम दे नहीं पाओगे। अरे बताओ तो। तुम गुस्सा हो जाओगे फिर मुझे धक्का दे दोगे। नहीं दूंगी। अब बताओ भी। नहीं नहीं नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा। सोना नहीं है। इसके साथ एक ही बिस्तर पे एक नागिन एक इंसान के साथ? तुमने बताया नहीं तुम्हें क्या चाहिए। नहीं नहीं, इस बार तुम धक्का दोगी तो मेरी डेढ़ हड्डी भी तोड़ दोगी। नहीं तोड़ूंगी, मेरा मतलब धक्का नहीं दूंगी। अब बोलो भी। क्या हम बाहों में बाहें डाल के सिर्फ सिर्फ सो सकते हैं? मैं तुम्हें महसूस करना चाहता। ये तुमने क्या मांग लिया ऋतिक? सॉरी मैंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया, मतलब दोस्ती से ज्यादा।
महाकाल। जय मां। सूत्र टूटकर गिर गया। हे शिव जी, ये कैसा अपशगुन है, कैसी अनहोनी होने वाली है। आज से पहले ये एहसास कभी नहीं हुआ। ये मुझे क्या हो रहा है? आज तुम्हारे पास आके दिल क्यों धड़क रहा है? मत नागिन, लगता है तुम बड़ी सिद्ध नागिन है। तेरे ही बलि से हमारी पूर्ण आहुति संपन्न होगी। जय महाकाल। शेषक, शेषक आओ तुम, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। शेषक जल्दी आओ, शेषक आओ तुम। शिवानिया बुला रही है, वो किसी मुसीबत में है,